नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं। बड़ी चर्चा, बाराबंकी में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था और डॉक्टरों की लापरवाही के चलते एक 5 माह की बच्ची की जान चली गई। मासूम की मौत की जानकारी मिलते ही परिवारजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा काटा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने हंगामा कर रहे आक्रोशित लोगों को समझा बुझा कर शांत कराया। सीएमओ ने कहा कि सूचना मिली है, मामले की जांच करा कर जो भी दोषी मिलेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस पिता की चीख से सत्ता में बैठी सरकार की भले ही कुर्सी हिले ना हिले, लेकिन आज एक बार फिर यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जड़ें जरूर हिलती नजर आ रही है। सिरौली गौसपुर स्थित संयुक्त चिकित्सालय की इमरजेंसी में तैनात चिकित्सक पर मासूम के इलाज में लापरवाही का आरोप है। परिवारजनों का कहना है कि यदि समुचित उपचार किया गया होता तो मासूम की जान ना जाती। मरी गया डॉक्टर साहब, मरी गया बता बता साहब, हमार फूल कर दिया हमार बिटिया, बता बता ना मेरे हमार बिटिया, अब भाई हम खिला इधर आए भैया जो नहीं पाए। तो सत्ता में बैठे उन तमाम सत्ताधारियों की, और जिस तरह से एक पिता अपनी बच्ची के मौत के बाद चीख चीख कर ये कहने को मजबूर है कि किस काम की ये सरकार जो एक बच्चे का इलाज तक ना दे पाए, जिस तरह से डॉक्टरों पर लगातार लापरवाही की आरोप लगते रहते हैं, उसके बाद इस तरह के वीडियो ये दर्शा देते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था किस स्थिति में है। वहीं इस खबर पर इस वक्त हमारे संवाददाता रेहान वारसी जुड़ चुके हैं। रेहान जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ अपडेट मिल रही है इस पीड़ित पिता की इस चीख पुकार के बाद, क्या प्रशासन की नींद खुली है और इस पर किस तरह से कार्रवाई की गई है? कीर्ति, बिल्कुल बताना चाहूंगा, लखनऊ से सटे बाराबंकी जिले की ये घटना है जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था की एक बार फिर से फिर पोल खुल गई है। सिरौली गौसपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो संयुक्त चिकित्सालय था वहां पर एक पिता अपने बच्चे को लेकर जाता है, दुधमही बच्ची को लेकर जाता है, लेकिन वहां पर उसको इलाज ना मिलने के कारण उसकी मौत हो जाती है। वहीं जब इस पर जो परिवार वाले वो हंगामा करते हैं तो पुलिस उनको शांत कराकर वापस कर देती है। और हालांकि अगर हम डॉक्टरों की बात करें या सीएमओ की बात करें तो वो निष्पक्ष जांच कराने की बात कह रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से ये चीख पुकार मची हुई है और एक पिता लगातार दर दर भटक कर अपनी बच्ची की जान की दुहाई मांगता रहा, वो कहता रहा कि अगर समय पर इलाज मिल जाता तो शायद उसकी बच्ची की जान बच जाती, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल और किस तरह से आज हमारे ही उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को इलाज की जरूरत है, ये साफ तौर पर ये तस्वीरें उजागर कर रही हैं। और लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं पीड़ित परिवार का क्या हाल है, रेहान मैं ये भी जानना चाहूंगी। मुझे पता है बड़ी दुख की घड़ी है, बहुत ज्यादा बच्ची खोई है, एक पिता ने अपनी माँ ने अपनी बेटी खोई है, उसके बावजूद क्या स्थिति है? कीर्ति, बिल्कुल, जो परिवार वालों की स्थिति है वो बेहद नाजुक है, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। और उनका मैं सीएमओ जी से सवाल पूछना चाहूंगी, उनसे पूछना चाहूंगी किस तरह की व्यवस्थाएं आप दे रहे हैं उत्तर प्रदेश को, और जब इस तरह के वीडियो सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठाना जरूरी हो जाता है कि क्या वाकई स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त है? हेलो जी, जी आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आवाज पहले नहीं आई, अभी बाद में आई है। मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जब इस तरह के वीडियो सामने आते हैं क्यों उन्हें सही वक्त पर इलाज नहीं दिया गया? नहीं, इलाज जो अस्पताल वो 100 बेडेड मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जो अस्पताल के हैं उनके द्वारा अवगत कराया गया कि बच्चा जो है मृत अवस्था में छत से गिर गया था, वहां से लाया गया था, तो इसलिए उन्होंने एग्जामिन किया तो वो बच्चा मृत पाया गया, इसलिए उसमें इलाज का कोई प्रश्न नहीं उठ पाया। तो सब उन्होंने चिकित्सक और पिता का जो ऑडियो सुन रहे हैं उसमें वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि किसी डॉक्टर ने देखा तक नहीं आकर, तो आप किस तरह से ये
कह सकते हैं कि डॉक्टर ने देखा उसके बाद बच्चा मृत हो गया, जब वो दर दर भटकता रहा उस बीच अगर इलाज मिल जाता तो शायद आज स्थिति कुछ और होती। सीएमएस द्वारा अवगत कराया गया, उस वर्जन को हमने नहीं देखा है, लेकिन वहाँ पे रिकॉर्ड और उनके द्वारा ये बताया गया, चिकित्सक वहाँ पर हर समय 24 घंटे पे रहते हैं, वहाँ पर एक कोविड विंग भी काम करता है, इसलिए चिकित्सक और पैरामेडिक स्टाफ सब वहाँ पर हमेशा रहता ही है और वहाँ पर रेजिडेंसेज हैं, आवास बने हुए हैं। तो ये क्या किस संदर्भ में, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं कुछ और है, वहाँ पर इलाज दिया गया, यानी कि पीड़ित परिवार या फिर डॉक्टर्स एक ना एक तो झूठ बोल रहा है, क्या लगता है? एक पीड़ित पिता जो अपनी बेटी को लेकर दर दर भटक रहा था कि उसकी आखिरी सांसों की वो कीमत को समझ रहा था, क्या वो पिता इस वक्त जो चीख चीख कर ये लगातार कह रहा है कि क्या फायदा ऐसे डॉक्टर का, क्या फायदा ऐसी योगी सरकार का, उस पर आप कह रहे हैं नहीं हमने जांच की? नहीं, हमें नहीं जांच करनी। जो अस्पताल यहाँ से मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर है, उनके मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जो मैंने आपको बताया वही मेरा वर्जन है, उनके द्वारा उनके चिकित्सक और पैरामेडिक सब मौजूद थे, बच्चे को अटेंड किया गया। लोगों की बात मानकर आप इस मामले को यहीं पे रफा दफा कर देंगे या आप इसकी जांच भी करेंगे कि क्या वाकई में वो जो कह रहे हैं कि हमने देखा वो सच है? हमारे स्तर से दो वरिष्ठ जो है डॉक्टर, ये सीएमओ स्तर के दो डॉक्टर भेजे गए जो मौके पर इस समय जाँच कर रहे हैं, वहीं पर गए हुए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से आपने सुना कि बाराबंकी सीएमओ साफ तौर पर इस पूरे मामले पर लीपा पोती करते नजर आ रहे हैं, उनका कहना है कि हमने जांच करी और उसमें यह पता चला है कि चिकित्सकों ने उपचार किया था लेकिन बच्ची पहले से ही मृत अवस्था में आई थी। तो वहीं इस खबर पर रिहान वारसी आपका क्या कहना है, जिस तरह से सीएमओ की दलीलें आपने सुनी? निश्चित तौर पर बताना चाहूंगा कि जो सीएमओ जिले का सीएमओ होता है वो स्वास्थ्य व्यवस्था का मालिक होता है और कहीं ना कहीं अगर इमरजेंसी में ये घटना घटी है, जो अस्पताल में घटना घटी, तो कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन की या स्वास्थ्य प्रशासन की लापरवाही बहुत बड़ी सामने आई है। और चाहे कोरोना काल की बात हो या अब जो केसेस घट गए हैं उसके बावजूद भी इसकी हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो लचर है और जो डॉक्टर हैं वो समय से नहीं आते हैं, और अगर समय से डॉक्टर होते वहां पे तो शायद आज वो बच्ची जिंदा होती। वक्त ये भी सवाल उठते हैं कि कहां गए डीएम और सांसद साहब जब इस तरह की लापरवाही बरती जाती है और लगातार पीड़ित पिता ये चिल्ला चिल्ला के उसकी चीखें ये बयां कर रही है कि बच्ची को इलाज नहीं मिला, समय पे इलाज मिल जाता तो शायद उसकी बच्ची की जान बच जाती। तो किस काम के ये जो हम लोग ने हॉस्पिटल्स खोले हुए हैं, लगातार ये कहा जा रहा है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त है, लोगों को इलाज मिल पा रहा है, क्या यही व्यवस्था हम दे रहे हैं अपने उत्तर प्रदेश के वासियों को? निश्चित तौर पर सरकार लाख दावे करती है स्वास्थ्य व्यवस्था की बेहतर है, लोगों को इलाज मिल रहा है, लगातार जो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ वो भी ब्रीफ किया करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही तो उजागर हुई है या तो फिर सरकार अपनी नाकामी कहीं ना कहीं छुपाती है और या फिर जो अस्पताल प्रशासन है वो उनकी बातों पे अमल नहीं करता है, उनके आदेशों का कोई असर नहीं होता है। से लगातार देखने को मिल रहा है वहां पर, यह समझ में आ रहा है कि किस तरह से इस वक्त इलाज की सबसे ज्यादा स्वास्थ्य विभाग को जरूरत है। लगता है जिस तरह से लचर व्यवस्थाएं हो गई हैं, डॉक्टर निश्चिंत है, जब हॉस्पिटल खोलने का नाम आता है तब डीएम और सांसद सबसे आगे बढ़ चढ़कर हॉस्पिटल का उद्घाटन करने पहुंचते हैं, लेकिन जब इस तरह की वारदातें और इस तरह की घटना घटती है उसके बाद कहीं ना कहीं डीएम और सांसद नदारद नजर आते हैं। वहीं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ इमरान सोलंकी सपा नेता जुड़ चुके हैं। इमरान जी, सपा विधायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो इमरान जी मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या लगता है जिस तरह से ये वीडियो सामने आया उसके बाद, माफ कीजिएगा इरफान जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या लगता है जो ये वीडियो में चीख चीख कर पीड़ित पिता ये बार बार कह रहा है कि कहां गई वो, क्या फायदा ऐसी योगी सरकार का, क्या फायदा ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था का जब समय पर इलाज ना मिल पाया, उसके बाद डॉक्टर्स कहते हैं कि हमने इलाज किया था लेकिन वो बच्ची पहले से मृत अवस्था में आई। ठीक है, इरफान सोलंकी से हम फिलहाल संपर्क करने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लगातार ये वीडियो वायरल हो रहा है जिस तरह से एक पीड़ित पिता अपनी 5 से 6 महीने की बच्ची को हाथ में लिए चीखता चिल्लाता नजर आ रहा है। एक बार फिर मैं आपको सुनाती हूँ कि किस तरह से इस पीड़ित पिता की चीख पुकार ने सोशल मीडिया पर
एक तरह से तहलका मचा दिया और तमाम उन दावों की पोल खोल कर रख दी है। पीड़ित पिता की एक बार फिर मैं आपको सुनवाती हूं आवाज के किस तरह से उनका ऑडियो सुनवाती हूं, आप भी सुनिए क्या ये चीख पुकार योगी सरकार में सोए उन डॉक्टर्स डीएम तमाम सांसदों की जो दावे करते कि स्वास्थ्य व्यवस्था सुचारू है, क्या वो वाकई ही सही है? जो नहीं था जो डॉक्टर है नहीं है, मर गया डॉक्टर साहब, मर गए बताओ दादा हमार बोल कर बिटिया, हमार बिटिया बताओ दादा मेरे, हमार बिटिया अब भाई हम खेला इधर आए भैया, जो नहीं था जो डॉक्टर है नहीं है। सपा विधायक इरफान सोलंकी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। इरफान जी मैं आपसे जानना चाहूंगी जिस तरह से ये पीड़ित पिता का ऑडियो सामने वीडियो वायरल हो रहा है जिसपे वो चीखते चिल्लाते ये बार बार कह रहे हैं और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोल रहे हैं कि अगर डॉक्टर समय पर होते तो इलाज हो जाता। देखिए साहब हम तो पहले भी कह चुके हैं और तमाम वीडियो में, फिर मैं यही बात कहूंगा इस समय हमारा उत्तर प्रदेश ऊपर वाले के भरोसे है। यहाँ तो अंधेर नगरी चौपट राजे वाली कहानी है कि हर आदमी वो पीड़ित नहीं, कल हम भी आप भी हो सकते हैं, हमारी आपकी भी जान, अरे कोई बात नहीं चलो हम बैठ जी जी तो ये थे हमारे साथ इरफान सोलंकी जिन्होंने बताया कि किस तरह से फिलहाल उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है लेकिन लगातार मैं आपको दिखा रही हूं कि एक पिता दर दर भटकता रहा अपनी बच्ची के इलाज के लिए लेकिन उसे समय पर उपचार नहीं मिल सका, जिसके बाद तमाम दावों की पोल खुल जाती है कि स्वास्थ्य विभाग में बैठे वो तमाम डॉक्टर्स क्या उनके अंदर इंसानियत नहीं है, मानवता नहीं है? जब इस तरह की हम आवाजें सुनते हैं तो सीना फट जाता है कि क्या वाकई में एक 3 से 4 महीने की बच्ची को इलाज समय पर क्यों नहीं मिल पाया, क्यों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं थी, क्यों इस तरह से लगातार हम ग्रामीण इलाकों में जिस तरह से परिस्थितियां देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं विपरीत है। अब वो भी परिस्थितियां हमने देखी जब कोविड के दौरान भी ग्रामीण इलाकों में पीएससी और सीएससी में ताले लगे हुए हैं, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। इस वक्त अगर आप ग्रामीण इलाकों में जाके देखेंगे तो पीएससी सीएससी में या तो ताले मिलेंगे या फिर वो जानवरों का अड्डा बन चुका है, और अगर कोई खुला भी अगर आपको नजर आएगा तो वो उस कंडीशन में नहीं होगा कि आपका उपचार कर सके, ग्रामीणों को उपचार तक नहीं मिल पा रहा है और इस तरह के वीडियो सीना चीर देते हैं कि क्यों एक 5 से 6 महीने की बच्ची को इलाज के बिना अपनी जान गंवानी पड़ी। लगातार टीम 11 की बैठक भी जारी रहती है, लगातार ये कहा जाता है कि बैठक में स्वास्थ्य विभाग को लेकर दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि इस पिता की चीख शायद तक सत्ता में बैठे उन तमाम नेताओं के कानों में गूंजी होगी और उन्हें पता चला होगा कि उनके उत्तर प्रदेश में किस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं। और जिस तरह से चीख चीख कर एक पिता ये कह रहा है कि क्या फायदा ऐसी सरकार का, तो सरकार को भी ये समझना होगा कि इस समय जो जरूरत है ग्रामीण इलाकों में वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जरूरत है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।